ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया और इंसान ने ही परमेश्वर को नहीं पहचाना। लेकिन आज दूसरे वचन से हम सीखेंगे कि वहां पे लुका का 5:4 में ऐसा लिखा है, वहां पे ऐसा लिखा है कि पतरस जो मच्छी पकड़ने वाला, हालेलुया, पतरस मच्छी पकड़ने के लिए नाव में वो वहां पे अंदर जाता है और वहां पे नाव में जब वो जाल डालता है तो उसको एक भी मच्छी नहीं मिलता है। आपका ध्यान इधर है, हालेलुया, आपका ध्यान इधर है। आपका अगर घर में अगर ताला बंद करके नहीं आया तो आप ताला को छोड़ दीजिए, खेती बाड़ी को तक छोड़ दीजिए, कबाड़ का छोड़ दीजिए, दरवाजे को छोड़ दीजिए, यहाँ आप आए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया, टाइम पास करने आएंगे तो आशीष नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु का आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे तो आशीष मिलेगा। हालेलुया, ऐसा बताती है सुनने वाले की कान खुल जाए, हृदय को तैयार कीजिए, परमेश्वर आपसे बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस नाव में जाल डालता है और मच्छी पकड़ने का वो मास्टरमाइंड है। आपने वो वचन को बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर एक जागृति देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस मच्छी पकड़ने का मास्टर होता है, वो एकदम एक झटके में, एक सेकंड में वो मच्छी पकड़ने वाला मास्टर रहता है। और वो जब जाल डालता है, इधर डालता है, उधर डालता है, उधर डालता है, चारों जगह में जाल डालता है, सुबह हो जाता है और नींद नहीं होती है और परेशान होता है, चिंता होता है, सारी बातें उसके जीवन में होता है, तभी एक भी मच्छी उसको नहीं मिलता है, क्योंकि मच्छी पकड़ने वाला मास्टर है। हालेलुया। खाना बनाने वाला का कुक होता है कि नहीं, सभी कुक होते हैं, लेकिन कोई कोई स्पेशल होता है, बहुत मीठा होता है। ड्राइवर कोई स्पेशल होता है, अच्छा गाड़ी चलाता है, उसी तरह वो मच्छी पकड़ने का भी वो मास्टरमाइंड होता है। हालेलुया। वहां पर जाल डाला, टेंशन में था, चिंता में था, एक भी मच्छी नहीं आया और बहुत परेशान था और चिंता में था, तो सुबह जब प्रभु आता है और प्रभु बोलता है पतरस मुझे नाव में कुछ समय के लिए दे, तब पतरस बोलता है आइए प्रभु। जब प्रभु ने बोलने शुरू किया और उसके बाद पतरस को बोला, पतरस थोड़ा नाव को और अंदर लेके जा। हालेलुया। आप इस वचन से बहुत बड़ा एक रिवाइवल आ रहा है, अभी इस वचन को देखेंगे कि इंसान नहीं समझ पाया, लेकिन जो बता रहा हूं उससे परमेश्वर की महिमा होता है। हालेलुया। प्रभु ने बोला पतरस तू जाल डाल, जैसे जाल डाला और जाल डालने से पहले बोलता है पतरस, प्रभु मैं तो मच्छी पकड़ने वाला मास्टरमाइंड हूँ, मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं अच्छा कुक हूँ, मैं एक झटके में मच्छी पकड़ सकता हूँ, लेकिन मैं रात भर जाल डाला, एक भी मच्छी नहीं मिला। प्रभु तो पतरस प्रभु बोलता है तू जाल डाल, तेरे कहने से मैं डाल देता हूँ प्रभु बोल के, जैसे जाल डालता है, इसमें क्या रिवाइवल आपको मिलता है, क्या जागृति मिलता है? 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलोमीटर के बीच में, 5 किलोमीटर के बीच में एक भी मच्छी नहीं था, लेकिन 5 किलोमीटर के दूर में मच्छी क्या सुन रहा है? परमेश्वर ने बोला, प्रभु ने बोला पतरस जाल डाल, उत्तर में 5 किलोमीटर का मच्छी ये बोलता है, परमेश्वर ने हमको बनाया है, परमेश्वर ने हमको इंसान परमेश्वर ने इंसान को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन एक मच्छी समझ गया कि परमेश्वर ने हमको बनाया। दोस्तों प्यारो भाइयों, हम मरने के लिए मर जाए, मरने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा मिनिस्ट्री जब मैं प्रभु को पाया